नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। भारत में माइनॉरिटीज की हालत पर फिक्र जताने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को अपने ही देश के एक पूर्व रिलीजियस कमिश्नर ने नसीहत दी है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर के मुताबिक ओबामा को अपनी एनर्जी भारत की बुराई करने पर नहीं बल्कि उसकी तारीफ पर खर्च करना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि अमेरिका में भी रिलीजियस फ्रीडम के हालात अच्छे नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान एक इंटरव्यू में ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवालिया निशान लगाए थे। ओबामा ने कहा था कि प्रेसिडेंट बाइडेन को मोदी से इस बारे में बात करनी चाहिए। ओबामा ने 22 जून को सीएनएन को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी पीएम मोदी से मुलाकात होती तो मैं उनसे कहता कि अगर आप भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो एक पॉइंट पर आकर भारत के टूटने की शुरुआत हो जाएगी। ओबामा ने यह भी कहा था कि बाइडेन को मोदी से मुलाकात के दौरान भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। इसी इंटरव्यू में ओबामा ने चीन में उइगुर मुस्लिमों के हालात पर भी चिंता जताई थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ओबामा के बयान पर सख्त रिएक्शन दिया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, ओबामा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में भारत के बारे में बात कर रहे थे, उस दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों के बारे में बात कर रहे थे। ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका ने 6 मुस्लिम बहुल देशों पर बम गिराए थे। इन देशों पर 26,000 से ज़्यादा बम गिराए गए थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।